हाउ गुड इज प्रोबेबिलिटी रेजोनेटर? वेल, इसी क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो में फाइंड करने वाला हूँ बाई ट्राइंग दिस बग ऑन 3 सेट्स जिनके ऊपर ये बहुत अच्छी तरह से काम कर सकता है. द एनोमली हंटर, डिस्ट्रॉयर ऑफ हिपॉक्स एंड द स्ट्रेंजर. क्या ये एक यूजफुल बग है या फिर नहीं? लेट्स फाइंड आउट. एंड विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन कि इस पर्क के साथ प्रॉब्लम क्या है, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मी. तो पिछले हफ्ते जब ये पर्क हमें मिला था, मैंने एक पोस्ट किया था एंड उसमें मैंने लिखा था कि ये पर्क इतना यूजफुल नहीं लग रहा. लेकिन उस पोस्ट के कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये एक बहुत पावरफुल पर्क है और ये पर्क बेस्ट है ऑन सेट्स जिनको शैडो अटैक्स मिलना थोड़ा मुश्किल है, लाइक द एनोमली हंटर या फिर डिस्ट्रॉयर ऑफ हिपॉक्स या फिर स्ट्रेंजर. Which does make a lot of sense, और मैं इस point पे agree भी कर सकता हूँ. लेकिन मेरा problem ये है इस perk के साथ कि ये एक weapon perk है, alright? और Herald's weapon पे बहुत सारे powerful perks है, like for example we have time bomb, we have precision and synchronization and interference, जो बहुत powerful perks है जिनको replace करना बहुत मुश्किल है. So अगर इस पर्क को मुझे यूज़ करना है, इट नीड्स टू प्रूव इटसेल्फ कि ये इनमें से कुछ पर्क्स को रिप्लेस कर सकता है. आई होप दैट मेड सेंस. ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक फेयर चांस देने के लिए मैं इसको अपग्रेड करने वाला हूँ टू लेवल 10. देयर वी गो. और लेवल 10 पे इसका एबिलिटी है, एवरी 10 सेकेंड्स द डिवाइस टेक्स 5 सेकेंड्स टू रिस्टोर ईदर 23% ऑफ योर हेल्थ, 25% ऑफ योर शैडो एनर्जी बार और इंक्रीज योर वेपन डैमेज बाई 65%. जो एक्चुअली डिसेंट है, बट आई नीड टू सी इट इन एक्शन टू बिलीव हाउ गुड दिस इज. सो शुरू करते हैं विद प्रोबेबली द बेस्ट सेट फॉर दिस पर्क, जो होने वाला है द एनोमली हंटर. और ये है दूसरे पर्क जो मैं इस सेट के ऊपर यूज कर रहा हूँ. मैं यूज करने वाला हूँ अक्यूमुलेशन एंड शैडो अफिनिटी, ताकि मुझे क्रिटिकल हिट से शैडो अटैक्स मिल जाए एंड आई विल ऑल्सो गेट शैडो अटैक्स इन द बिगिनिंग ऑफ द राउंड. आर्मर पे जो भी है, दिस आर जस्ट रेगुलर पर्क्स, शैडो रेमेडी, ट्रांसफ्यूजन एंड हाफ लाइफ. वेपन पे मैं यूज करने वाला हूँ द रोलिंग वेव्स स्पेशल मूव ऑन द कटाना, सिंक्रोनाइजेशन, प्रिसिशन एंड द लेवल 10 प्रोबेबिलिटी रेजोनेटर. ऑलराइट, सो लेट्स ट्राई दिस आउट इन द चैंपियन ऑफ द पिट. और मैं फाइट करने वाला हूँ इन द फाइनल्स में, सेमी फाइनल्स में फाइट नहीं करने वाला हूँ बिकॉज दिस विल टेक वे टू मेनी टिकेट्स और हमें कुछ एक्स्ट्रा अपोनेंट्स भी मिल जाएंगे. लेट्स गो. ऑलराइट, सो फर्स्ट राउंड है अगेंस्ट दिस गाय जिसके पास है शैडो डैप्ड. ऑलराइट, कम ऑन, गेट हिट, गेट स्टक ऑन द थिंग. मुझे पता नहीं मैंने थिंक यू कहा था. गेट, आई सेड गेट स्टक ऑन द, ओके व्हाट वी गेट, ओके आई गेट गॉट समथिंग. पर्पल कलर का क्या है? इज इट जस्ट एक्स्ट्रा डैमेज? ओके, डोंट यू डेयर. मैं एक और इलेक्ट्रोमैग्नेट प्लेस करने वाला हूँ एंड ही जस्ट स्टार्ट. ओके, आई थिंक पर्पल है इंक्रीज डैमेज. ओके, इस राउंड में मैं थोड़ा ज्यादा डैमेज लेने वाला हूँ, देखते हैं क्या होगा. कम ऑन, हिट मी. ओके ओके, चलो देखते हैं कि इसका डैमेज कितना है. ओ वाओ, ओके दैट्स अ लॉट ऑफ डैमेज. जो ओके, इस बार ये ब्लू कलर का है विच गिव्स यू शैडो एनर्जी. ऑलराइट, ब्लू इज शैडो एनर्जी, पर्पल प्रॉब्ली डैमेज इंक्रीज है. आई नीड टू सी कि इसका हेल्थ कितना रिजनरेट करता है. ओके दैट इज द हेल्थ. ओके मैं हील कर रहा हूँ. ओके दैट इज गुड, मुझे शैडो एनर्जी मिल रहा है. ओके ऑलराइट, ओके यू नो व्हाट, इट्स अ डिसेंट पर्क एटलीस्ट ऑन एनोमली हंटर, क्योंकि एनोमली हंटर को शैडो अटैक्स मिलना बहुत डिफिकल्ट है एंड हर 1% शैडो एनर्जी मिलने के लिए तुम्हें लिटरली, ओके वेट, आई हैव 0 शैडो एनर्जी राइट हियर. 1% शैडो एनर्जी मिलने के लिए तुम्हारा डैमेज 3.5% इंक्रीज होता है. सो आई थिंक यू कैन गेट अप टू लाइक 350% इंक्रीज डैमेज, जो एक्चुअली में बहुत पावरफुल है, नॉट गोना लाइ. ओके, इस बार मैं कुछ अलग ट्राई करने वाला हूँ. मैं वेट करने वाला हूँ टिल प्रीटी मच लास्ट 30 सेकेंड्स ऑफ द फाइट, ताकि मुझे कितने ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रेजोनेटर मिल जाए. ओके, मुझे शैडो एनर्जी इंक्रीज मिल चुका है, दैट्स ग्रेट. ऑलराइट, आई एम गोना वेट अ बिट मोर लॉन्गर. वाओ, लुक एट द शैडो एनर्जी, मेरे पास ऑलमोस्ट फुल शैडो बार है, जो नॉर्मली एंटर पे मिलना बहुत मुश्किल है. ओके कम ऑन, गेट स्टक ऑन द इलेक्ट्रो माइंस. ऑलराइट, दैट वाज अ रेगुलर हिट. तुमने देखा कि इसका डैमेज कितना था? ओके, यू नो व्हाट गाइस, यू आर, यू गाइस आर फाइन.
ओके ऑल राइट। तुमने क्या तुमने देखा कि इसका डैमेज कितना ज़्यादा था? आई एम नॉट ओवर एक्टिंग, आई एम जस्ट माइंड ब्लोन। मैं मजाक भी नहीं करने वाला हूँ। इसका डैमेज डिक्रीज भी नहीं था इस टाइम पे। ओके यू नो व्हाट, मुझे इसको ट्राई करना है इन दी रेस बिकॉज आई थिंक वही बेस्ट प्लेस है इसको ट्राई करने के लिए। यू गाइस वर राइट, ये एक बहुत पावरफुल पर्क है इन सम सिचुएशंस एटलीस्ट। आई डोंट नो कि हर एक सिचुएशन में काम आएगा या नहीं, बट वी विल सी। गेस्ट फाइट करने में ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज इसके ऊपर रेंज्ड वेपन्स काम नहीं करते हैं एंड ही नेचुरली हैज अ लॉट ऑफ डिफेंस। सो मैं इसको हिट कर सकता हूँ, देखते कि ये डैमेज कितना करेगा एट द एंड ऑफ द फाइट। प्रीटी मच आई एम गोना प्लेस अनदर इलेक्ट्रोमाइन और मैं वेट करने वाला हूँ टिल आई गेट। ओके स्टॉप इट आइगन क्लैड, प्लीज नो, प्लीज डोंट, प्लीज डोंट, प्लीज डोंट, प्लीज डोंट। ओके ओके मुझे वेट करना है टिल आई गेट अ क्रिटिकल हिट। ओके यू कैन बेसिकली टू शॉट आइगन क्लैड। ओके मैं इसको हार गया जस्ट बिकॉज मैंने ट्राई किया था कि लास्ट सेकेंड तक वेट करो, बट पोटेंशियली तुम आयरन क्लैड को लिटरली टू शॉट कर सकते हो। ओके आई एम गोना प्लेस इन इलेक्ट्रोमाइन, ऑलराइट आयरन क्लैड गेट ओवर हियर। ओ वाओ ओके आयरन क्लैड का लाइक दैट्स स्टिल अ लॉट ऑफ डैमेज। Alright, anyways, अब इसको एक्चुअली में डिफीट करते हैं और ये एक टेस्ट भी होगा कि प्रोबेबिलिटी रेजोनेटर एक एक्चुअल फाइट जहाँ पे तुम होल्ड बैक नहीं कर रहे हो उनमें कितना इफेक्टिव हो सकता है। Alright, let's see. I don't know. मुझे पता नहीं कि ये प्रोबेबिलिटी रेजोनेटर की वजह से या फिर ये सेट ही इतना पावरफुल है। Okay, that's a he just got destroyed with one critical hit. I don't know, मुझे लग रहा है कि ये normally hunter के stretch bonus की वजह से है. Of course, probability resonator थोड़ा इसमें काम आ रहा है because of the alright, that's bad. Because of the critical hits the shadow attacks, जिसकी वजह से मेरा damage definitely increase हो रहा है, but that is it. एक और रेंज वेपन काम नहीं करता इसके ऊपर लेकिन इसका डिफेंस को कम कर देता है। नाइस ओ वाह ही डिड नॉट डाइव फ्रॉम दैट, कैसे? ओके दिस इज द नेचुरल, ओ माय गॉश seriously nahi okay nahi main tumhare paas definitely nahi aane wala hu guys, shut up. okay definitely useful hai ye perk lekin main abhi tak puri tarah se show nahi hu soka. okay next let's try this perk at the anomaly hunter set in raids, देखते हैं कि ये कितना पावरफुल है। एंड हमारा टेस्ट सब्जेक्ट होने वाला है दी अंडरग्राउंड व्रैथ, विच इज ग्रेट क्योंकि लाइक यू नो इसके अगेंस्ट डैमेज करना थोड़ा इजी है। द क्वेश्चन इज क्या इसके ऊपर इलेक्ट्रोमाइंस काम करते हैं? यस दे डू। और ये भी क्वेश्चन है कि क्या इसका डैमेज डिक्रीज काम करता है? ओके ऑल राइट, गुड टू नो, ऑल राइट। Okay, I'm gonna run. मैं इलेक्ट्रोमाइन प्लेस करने वाला हूँ। I don't think इलेक्ट्रोमाइन इसके इस फॉर्म में काम करते हैं, they don't actually. Oh, he just one shot. He level 5 है, he's literally level 5 underground wrath और ये इसको one shot कर रहा है। Okay, मुझे पता नहीं कि मैंने रोल क्यों नहीं किया था, but okay, all right.
ओके दैट वॉज लेवल 5 अंडरग्राउंड ब्रैथ, और इसने सिर्फ एक शॉट में, एक हिट में इसका पूरा शील्ड खत्म कर दिया एंड आई डिड लाइक 2000 डैमेज जो एक्चुअली प्रीटी डिसेंट है, इट्स नॉट बैड। मुझे अभी भी नहीं लग रहा कि ये पर्क इतना ज़्यादा पावरफुल है, बट ये डेफिनेटली काम आता है इस सेट में बिकॉज ये इसको शेडो एनर्जी देता है एंड दैट इज रियली रियली यूजफुल। आई मीन 350% डैमेज इंक्रीज बहुत पावरफुल है। आई एम गोना रन, लेट्स गो। ओके ऑलराइट, अब मैं शेडो अटैक्स कर सकता हूँ इसके ऊपर। कम ऑन, गेट हिट बाय द इलेक्ट्रोमाइंस। ओके एंड आई डिड एंड द 2000। ऑल राइट, एटलीस्ट अंडरग्राउंड व्रैथ के अगेंस्ट ये बहुत डिसेंट लगता है। एक और चीज जो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि मैं एक शॉट कैसे कर पा रहा हूँ अंडरग्राउंड व्रैथ के शील्ड को, लाइक इट्स द मैक्सिमम डिफिकल्टी, और मुझे पता है मेरे पास लाइक डबल द अमाउंट ऑफ वॉइड एनर्जी है इस फाइट के लिए, बट दैट इज स्टिल प्रीटी पावरफुल। लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी रेजोनेटर एटलीस्ट इस फाइट के लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ चार लाइक 40 सेकेंड्स एंड ये पर्क सिर्फ और सिर्फ लाइक 3 बार एक्टिवेट होता है, 4 times नॉट 3 times। लेकिन मुझे इस पर्क की वजह से आई थिंक लाइक लुक एट द शैडो एनर्जी आई एम गेटिंग। Look at the shadow energy जो मुझे मिल रहा है इसकी वजह से, एंड जब इसका डिफेंस डिक्रीज होता है यहाँ पे इट इज रियली पावरफुल। तुम इसके शील्ड को लिटरली वन शॉट कर सकते हो एंड आई डिड एंड द 2000 डैमेज। ऑलराइट, ही गॉट स्टक इन द इलेक्ट्रोमाइंस, 2 hits एंड इसके शील्ड चले जा चुके हैं। नाउ आई कैन नॉट डू एनी डैमेज। ओके फाइन, गो इन टू योर शील्ड फॉर्म, कम ऑन। Haha, I'm behind you. Wow. Okay. And my damage almost utna hi tha, around 2000. Okay, alright. Not bad. Okay, so Raids mein iska performance decent hai. And I think Anomaly Hunter pe ye perk definitely best kaam karta hai because the more shadow energy you have, the more damage you have, and ye perk tumhara damage bhi increase karta hai. So yeah, it's a really good perk. Okay, so next set jo main try karna chahta hu wo hai the Destroyer of Epochs, and isme main use karne wala hu the Probability Resonator, Precision, and I think main Synchronization bhi use kar sakta hu. Armor aur helmet pe almost wahi perks hain jo maine pichle set pe use kiye the, but I have deterrence instead of shadow affinity on this one. All right, let's try this, dekhte hain ki like iske upar ye kitna powerful ho sakta hai. Okay dude, stop it. Oh nice. Of course, जो मेन चीज हमें चाहिए एंड वी आर लुकिंग फॉर इज द शैडो एनर्जी। ओके, शैडो एनर्जी मुझे पूरी तरह से मिल चुका है, सो वी आर गोना डू दिस एंड इट्स डन। सो आई वाज सेइंग ये पर्क थोड़ा रैंडम है जिसकी वजह से लाइक ये तुम्हें लाइक पता नहीं होता कि तुम्हें क्या मिलेगा। द बेस्ट थिंग टू गेट डेफिनेटली होने वाला है शैडो अटैक्स, स्पेशली डिस्ट्रॉयर ऑफ इपॉक्स सेट पे वो आई गॉट शैडो अटैक्स। देखते हैं कि कितना फिल करेगा मेरा शैडो अटैक पार, शैडो एनर्जी पार, आई डोंट नो। ओके, आई एम गेटिंग डिस्ट्रॉयड राइट नाउ। नो आयरन क्लैड, प्लीज डोंट। नोप, हा साइक, दैट्स द रॉन्ग नंबर। ओके ऑलराइट, कम ऑन। नाइस, मुझे एक थोड़ा सा हीलिंग मिल गया है व्हिच इज ग्रेट। वाओ, ओके, यू नो व्हाट, इट्स अ लॉट ऑफ हीलिंग, लाइक 20-25% हीलिंग या फिर शैडो ने जी ज्यादा लगता नहीं है, बट इट्स एक्चुअली अ लॉट। कम ऑन, गेट स्टक इन द पोर्टल। Nice. No, don't you dare, Ironclad.
Oh my gosh, that was so close. Okay, all right. Okay, so I was saying, अगर तुम्हें तुम्हारा डिजायर्ड बफ मिल जाए देन इट इज ग्रेट, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि इसमें से सबसे ज्यादा यूजफुल पर्क डेफिनेटली शैडो एनर्जी है. आई मीन बफ शैडो एनर्जी है. हीलिंग डेफिनेटली यूजफुल है इन सम सिचुएशंस एंड डैमेज इंक्रीज इज स्टिल गुड, लेकिन आई थिंक ये सेट पे डिपेंड करता है कि तुम्हें चाहिए क्या. ओके, द लास्ट सेट आई वॉन्ट टू ट्राई है द स्ट्रेंजर, एंड इसके ऊपर भी आई थिंक ये ऑलमोस्ट वही तरीके से काम करेगा जैसे जैसे डिस्ट्रॉयर पे किया था. अगर शैडो एनर्जी मिल जाए इट्स ऑसम, लेकिन अगर हेल्थ मिल जाए नॉट रियली यूजफुल इन अ लॉट ऑफ सिचुएशंस, और अगर डैमेज मिल जाए इट्स ऑलवेज ग्रेट. सो ऑफकोर्स पर्क्स होने वाले हैं एक्यूमुलेशन एंड शैडो अफिनिटी. आर्मर पे थोड़े से पर्क्स चेंज है ऑन द स्ट्रेंजर सेट. फ्लिंग स्पेशल मूव उसी के साथ मैं यूज करने वाला हूँ, ट्रांसफ्यूजन, हाफ लाइफ एंड आर्मराइजेशन, एंड ऑफकोर्स वेपन पे होने वाले हैं प्रिसीजन एंड सिंक्रोनाइजेशन अलोंग विद प्रोबेबिलिटी रेजोनेटर. ओके, आई एम ऑलरेडी गेटिंग अ डैमेज पर्क और मेरा शैडो एनर्जी बार ऑलमोस्ट फुल हो चुका है. नो यू डोंट, और अब मुझे थोड़ा हीलिंग मिल गया, दैट इज ग्रेट. लेट्स डू दिस. ओके, ही गॉट हिट बाय दैट, ग्रेट. और तीसरा शैडो अटैक एंड इज डन. एंड आई ऑलरेडी गॉट शैडो अटैक्स. ओके, नेवर माइंड, अगोगा ने ले लिए इसके सारे सारे शैडो अटैक्स, एंड आई गॉट शैडो अटैक्स अगेन फ्रॉम द पर्क, और मुझे पता नहीं कि क्या हुआ यहाँ पे. And with a critical hit, she is destroyed. Okay, Agoga, stop it. Oh, nice. Wait, maybe I took the shot. Nice. मुझे भी पता नहीं है कि क्या होता है जब तुम स्ट्रेंजर सेट के साथ फाइट करते हो अगेंस्ट दिस गाय. Okay, that's what happens. Let's do this. Oh wow, that's a lot of damage. Nice. Okay, definitely Stranger पे इसका effect बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखता है, because you can get shadow energy, shadow attacks almost every round. Okay, we are getting shadow energy. Let's go. अगर मैं एक और critical hit land करूँ, I think मुझे काफी shadow energy मिल जाएगा. Nice. You don't. And now it's time to fight against Ironclad. Okay, जो भी shadow attacks मिल गए मुझे that is from shadow affinity, not probability resonator. Okay, alright. मुझे health मिल गया है which I didn't need at the moment. Nice. ओके, चलो इसको फिनिश करते हैं विद शैडो अटैक्स. नाइस, एंड इट्स डन. ओके, इन तीनों सेट्स पे मैंने इस पर्क को ट्राई कर लिया, एंड व्हाट डू आई थिंक अबाउट दिस पर्क. सो ये पर्क जो है इट इज गुड सिर्फ और सिर्फ कुछ सेट्स पे. ऑफ कोर्स द थ्री सेट्स जो मैंने ट्राई किए थे, दोस वर डिस्ट्रॉय ऑफ हिपॉक्स, अनोमली हंटर एंड द स्ट्रेंजर. ये पर्क इन तीनों सेट्स पे बहुत अच्छी तरह से काम करता है इन गिविंग देम अ लॉट ऑफ शैडो एनर्जी, लेकिन ये पर्क इतना भी पावरफुल नहीं है. आई मीन इट डिपेंड्स कि तुम्हें कौन सा बफ मिलता है, और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट फाइट्स पे ज़्यादा काम आता है, बिकॉज द मोर लॉन्गर यू वेट द मोर बफ्स यू गेट. तो जो भी इजी फाइट्स होते हैं जो तुम इजीली 10, 20 सेकेंड्स, इवन 30 सेकेंड्स के अंदर कंप्लीट कर सकते हो, उनमें ये डेफिनेटली इतना यूजफुल नहीं होगा, बिकॉज तुम्हें लाइक एक या दो बफ्स मिल सकते हैं जो ऑलमोस्ट लक पे डिपेंड करता है कि तुम्हें मिलेगा क्या. अगर तुम्हें कुछ यूजफुल मिल जाए लाइक डैमेज इंक्रीज या फिर शैडो अटैक, ठीक है, लेकिन अगर तुम बहुत इजी फाइट्स कर रहे हो और तुम्हें कुछ हेल्थ जैसा कुछ बफ मिल जाए देन इट्स काइंड ऑफ अ वेस्ट. सो यही प्रॉब्लम है इस पर्क के साथ विथ मी. ये ऑफकोर्स प्रिसीजन और सिंक्रोनाइजेशन आई डोंट थिंक तुम चेंज कर सकते हो. ओके, प्रिसीजन
डेफिनेटली चेंज नहीं कर सकते हो। सिंक्रोनाइजेशन एंड इंटरफेरेंस जो भी हैं ये दोनों ऑलमोस्ट इंटरचेंजेबल हैं, डिपेंड्स ऑन द वेपन यू आर यूजिंग। लेकिन शॉर्टर फाइट्स में टाइम बॉम्ब या फिर इंटरफेरेंस जैसे पर्क्स ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं। लाइक लेट्स से आई हैव इंटरफेरेंस, सिंक्रोनाइजेशन एंड प्रिसीजन, इवन इन इवेंट फाइट्स, जो इवेंट फाइट मैंने किया था अगेंस्ट आयरन क्लैड, ऐसे फाइट्स में भी जिनको मैं इजीली 30 सेकेंड्स के अंदर कंप्लीट कर सकता हूँ, ये पर्क उतना यूजफुल नहीं है। जस्ट इमेजिन दिस, जो फाइट्स जो मैं इजीली कंप्लीट कर सकता हूँ उन फाइट्स में एटलीस्ट आई वुड प्रिफर टू हैव अ ब्लॉक ब्रेकर जैसे कि इंटरफेरेंस, जो वेल एनिमी के ब्लॉक करने के चांसेस को कम कर देता है एंड इट विल मेक द फाइट अलॉट मोर इजियर फॉर मी। और रेड्स में भी यही प्रॉब्लम है, सिंस रेड्स में सिर्फ और सिर्फ 45 सेकेंड्स रहते हैं, ये पर्क सिर्फ 4 बार एक्टिवेट होगा एंड ये बेसिकली तुम्हारे लक पे डिपेंड है कि तुम्हें कौन सा बफ मिलेगा। लेकिन आई थिंक रेड्स में डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा यूजफुल है इवन इफ यू डोंट हैव मच टाइम, क्योंकि अगर तुम्हें अच्छे खासे बफ्स मिल जाए देन यू आर गोना डू अ लॉट ऑफ डैमेज। लेकिन ये पर्क आई थिंक बेस्ट यूज होगा इन फाइट्स जहाँ पे तुम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बॉसेस के अगेंस्ट फाइट कर रहे हो एंड ऑलमोस्ट पूरे टाइमर एंड होने तक फाइट कर रहे हो अगेंस्ट द बॉस ऑलमोस्ट डूइंग नो डैमेज, क्योंकि ऐसे फाइट्स में इसका डैमेज इंक्रीज, शैडो अटैक्स एंड हेल्थ तीनों भी बहुत अच्छी तरह से काम आ सकते हैं एंड ऑफ कोर्स ये ज़्यादा टाइम एक्टिवेट भी होता है। सो दिस पर्क इज गुड बट इट्स नॉट टू पावरफुल और मुझे नहीं लगा कि मैं इसको हर एक सेट के ऊपर यूज़ करूँगा, एटलीस्ट दैट्स द केस विथ मी। आई डोंट नो, मे बी मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है या फिर इस पर्क के कुछ और अलग यूज केसेस हैं या फिर मैं इसको किसी दूसरे सेट पे यूज कर सकता हूँ, कमेंट डाउन बिलो एंड मे बी अगर कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज मिलेंगे आई विल डेफिनेटली ट्राई देम आउट इन अ वीडियो। एंड या विद दैट बीइंग सेड, लेटेस्ट वीडियो स्क्रीन पे है, चेक देम आउट एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।